और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ ऑल का बटन दबा लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप एक बहुत ही जबरदस्त और एक बहुत ही कमाल का फोन लेना चाहते हैं जिसमें आप लोगों को एक अच्छे स्पेक्स और कमाल की परफॉर्मेंस मिले, जहां पर एक जबरदस्त प्रोसेसर, एक जबरदस्त बैटरी लाइफ और एक अच्छी सी डिस्प्ले, जिसमें आप लोगों को एक बड़ी बैटरी, साथ ही साथ आप लोगों को जिसमें गेमिंग कर सके और आराम से आप उसमें जो है वीडियो वगैरह देख सके और उसको यूज़ कर सके। अगर आप ऐसा फ़ोन चाहते हैं जिसको आप डेली यूज़ करें और जब भी आप निकले तो आपका फ़ोन बहुत ही बेहतरीन लगे, अगर आप एक ऐसा फ़ोन लेना चाहते हैं, वो भी आपका प्राइस है बजट 12,000 रुपये और आप इस बजट में एक अच्छा सा और ज़बरदस्त फ़ोन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए, जहां पर मैं जब लोगों के लिए लेकर आया हूं टॉप 3 बेस्ट फ़ोन। ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली वीडियो, सिर्फ 3 फ़ोन बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए जहां पर मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं ये टॉप 3 बेस्ट फ़ोन। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो यहां पर निकल कर आता है वो है Realme का Narzo 20। जी हाँ दोस्तों, ये आप लोगों को 12,000 रुपए की कीमत में मिल जाता है और इस फोन में आप लोगों को बहुत ही अच्छी स्पेक्स मिलती है। देखा जाए तो ये फोन आप लोगों का बहुत ही जबरदस्त है। तो चलिए जानते हैं इस फोन के स्पेक्स और प्राइस। Realme Narzo 20 की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस के मामले में ऑक्टाकोर 2 GHz का आप लोगों को MediaTek Helio G85 प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर है, जहां पर आप लोगों को 4GB रैम मिलती है और 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, जिसको आप 256GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। और ये प्रोसेसर आप लोगों का बहुत ही अच्छा है, जिसमें आप गेमिंग भी कर सकते हैं और डेली यूजेस में आराम से यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंचेस की HD+ डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिलती है, फुल HD नहीं होती, HD+ होती है, जहाँ पर आप लोगों को IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, 270 PPI डेंसिटी आप लोगों को देखने को मिलती है, तो डिस्प्ले बहुत ही ज़बरदस्त निकल कर आती है। जहाँ पर अगर देखें तो ये फ़ोन आप लोगों को देखने में और लुक वाइज बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, और आप लोगों को यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है, एजेस और चिन बहुत ही पतले मिलते हैं, यहाँ पर चिन हल्का सा मोटा मिलता है, बैक से देखने में फ़ोन अच्छा लगता है, आप देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। वहीं पर अगर बात करें कैमरे की तो आप लोगों को कैमरा परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी मिलती है, डिसेंट कैमरा परफॉर्मेंस मिलती है आप लोगों को, 48 MP का आप लोगों को प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है रियर में, जहाँ पर 8 MP का वाइड एंगल एंड 2 MP का आप लोगों को डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। कैमरा परफॉर्मेंस डिसेंट आप लोगों को मिलती है LED फ्लैश के साथ, जहाँ पर आप लोगों को 8 MP का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त निकल कर आती है। वहीं पर अगर बैटरी की बात करें तो 6000 mAh की आप लोगों को बैटरी मिलती है, एक ह्यूज एंड बड़ी बैटरी मिलती है, जिसको आप आराम से 2 से 3 दिन यूज़ कर सकते हैं, जहां पर कुछ चार्जिंग और USB टाइप सी पोर्ट आप लोगों को मिलता है। फ़ोन देखने में भी औसम है और USB टाइप सी पोर्ट भी मिल रहा है, जहां पर गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन और फिंगरप्रिंट सेंसर आप लोगों को मिल जाता है। तो फ़ोन बहुत ही ज़बरदस्त निकल आता है। जहाँ पर अभी प्राइस में, यानी कि अभी अगर आप लेते हैं इस फ़ोन को, तो फ्लिपकार्ट पर चल रही है आप लोगों के लिए सेल, तो वहाँ पे आप इसको फ़ोन को बाय कर सकते हैं मात्र 10,499 रुपये की कीमत में, तो एक बहुत ही अच्छी डील है, आप जाइए जल्दी से इस फोन को बाय कर लीजिए। अब बात करेंगे यहाँ पर अपने दूसरे फोन के बारे में, जो कि है जो 7i है, Realme का एक बहुत ही अच्छा फोन है और बजट रेंज का सबसे बेस्ट फोन है। मुझे लगता है कि अगर आप इस फोन को बाय करते हैं तो आप लोगों को इस फोन में अच्छी स्पेक्स मिल जाती है, साथ ही साथ आप लोगों को प्राइस भी कमाल की मिलती है। तो चलिए जानते हैं इस फोन की स्पेक्स और प्राइस। अगर बात करें Realme 7i की तो आप लोगों को परफॉर्मेंस के मामले में ऑक्टाकोर 2 GHz का आप लोगों को स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर मिलता है। ये एक अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है, लेकिन ज़बरदस्त प्रोसेसर है, जहां पर मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप इस फ़ोन को बाय कर सकते हैं, जहां पर 4GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज आप लोगों को मिलता है इस फ़ोन में। साथ ही साथ आप लोगों को डिस्प्ले के मामले में यहां पर 6.5 इंचेस की HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है, 270 PPI डेंसिटी के साथ IPS LCD, जहां पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है HD+ डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले भी आप लोगों को बड़ी मिलती है और आप लोगों को यहां पर हर्ट्ज जो रेट है आप लोगों को वो भी 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है डिस्प्ले में, जहां पर आपको गेमिंग करने में बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मिलता है। जो इसका 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, वो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। जहां पर एजेस देखे जाएँ तो आप लोगों को बहुत ही पतले मिलते हैं, और आप लोगों को यहां पर जो देखा जाए डिस्प्ले, तो चिन हल्का सा मोटा मिलता है। यहां पर आप लोगों को टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आप लोगों को पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है, यानी कि लेफ्ट कॉर्नर पर आप लोगों को यहाँ पर कैमरा परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। जहाँ पर बैक से अगर देखें तो बैक में भी देखने में आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो कैमरा परफॉर्मेंस और बाकी डिज़ाइन की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त फ़ोन निकल कर आता है।
वहीं पर अगर बात करें इस फोन की कैमरा परफॉर्मेंस की, तो आप लोगों को 64 मेगापिक्सल का आप लोगों को प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है, जो कि इस रेंज के किसी भी बजट फोन में नहीं है। सिर्फ इस फोन में आप लोगों को 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सिस्टम मिलता है, जहां पर 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर देखने को मिलता है। तो ये क्वाड कैमरा सेटअप आप लोगों को जो 64 मेगापिक्सल का है, वो किसी भी फोन में इस बजट रेंज में नहीं देखने को मिलता है ली फ्लैश के साथ। जहां पर 16 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है, तो कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब हो जाती है। वहीं पर अगर बात करें बैटरी की, तो 5000 एमएच की बड़ी बैटरी, कुछ चार्जिंग और यूएसबी टाइप सी पर आप लोगों को मिलता है, जहां पर गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी आप लोगों को इस फोन में मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर, स्प्लैश प्रूफ आप लोगों को ये फोन मिलता है, जहां पर यूएसबी ओटीजी सपोर्ट, ये बाकी चीजें भी आप लोगों को इस फोन में मिल जाती है। तो साथ ही साथ आप लोगों को यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिल रहा है, 5000 एमएच बैटरी, सारी चीजें मिल रही है मात्र 12000 रुपए की कीमत में। तो इस पर सेल भी चल रही है, तो फ्लिपकार्ट पर आप जाकर इसको बाय भी कर सकते हैं, ये आप लोगों को मात्र मिल जाता है 12000 रुपए की कीमत में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख पाएंगे, ना मिले तो आप सर्च करके भी देख सकते हैं। और बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि ज़्यादा प्राइस बता रहे हैं। भाई लोगों, आप ये समझो कि ये वीडियो इंडिया की है, और पाकिस्तान में तो आपके प्राइस डबल ही होंगे अगर आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, और मैं इंडियन हूँ तो इंडिया की वीडियो में तो इंडिया ही की प्राइस बताए जाएंगे। अब आपको अगर लगता है कि ऐसे आपको गलत हो रहा है, मैं आपको ज़्यादा झूठ बोल रहा हूँ, आप लोग बोलने लगते हो कमेंट में कि झूठ बोल रहा हूँ, ये हो रहा है, तो प्लीज़ डोंट माइंड, आप उसको डबल कर सकते हैं। इंडिया में सस्ता है, पाकिस्तान में महंगा होगा। तो जहाँ पर अगर बात करें पहले फ़ोन की, तो हमारा आता है Redmi का Note 9। जी हाँ दोस्तों, अगर Redmi Note 9 की बात करें, तो ये फ़ोन आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त स्पेक्स के साथ मिल जाता है। इस फोन में आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को ऑक्टा कोर 2 का मिरर हेलियो G85 प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर है। यहाँ पर 4GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज आप लोगों को देखने को मिलता है इस फोन में। यहाँ पर अगर बात करें डिस्प्ले की, तो 6.53 इंचेस की आप लोगों को फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, जहाँ पर आप लोगों को एजेस और चिन बहुत ही पतले मिलते हैं, फोन देखने में बहुत ही ऑसम और अट्रैक्टिव लगता है। जहाँ पर आप लोगों को पंच होल डिस्प्ले टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर देखने को मिल जाती है, बैक से भी देखने में फोन आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। जहाँ पर अगर बात करें कैमरे की, तो आप लोगों को 48+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है एलईडी फ्लैश के साथ। यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। वहीं पर अगर बात करें बैटरी की, तो 5020 एमएच की बड़ी बैटरी आप लोगों को, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन यूएसबी टाइप सी पोर्ट आप लोगों को मिलता है, जहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर, फिंगरप्रिंट सेंसर आप लोगों को, स्प्लैश प्रूफ और यूएसबी ओटीजी सपोर्ट, और गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन आप लोगों को फ्रंट और बैक में देखने को मिल जाता है। तो फोन बहुत ही जबरदस्त निकल कर आता है। और अगर बात करें इस फोन के प्राइस की, तो आप लोगों को ये फोन मिलता है मात्र 12000 रुपए की कीमत में, तो कि एक बहुत ही अच्छी प्राइस निकल कर आती है इस फोन के लिए, जो कि मुझे लगता है बहुत ही जबरदस्त प्राइस है, आप इस फोन को बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 3 बेस्ट फोन, आप लोगों को कैसे लगे आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। तो दोस्तों, अगर आप एक बहुत ही जबरदस्त और एक अच्छा सा फोन लेना चाहते हैं, जिसमें आपको कमाल के डिस्प्ले और एक अच्छा प्रोसेसर